हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज आप टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरह से ये सॉफ्टवेयर खुद करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जहाँ पर आप गेटवे ऑफ टेली पर स्क्रीन पर हैं, आप यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे, जो कि कंपनी फीचर्स की शॉर्टकट की है। इसके अंदर आप अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन को यस करेंगे, मतलब इंटर देंगे, और उसके बाद आप इसमें एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन जो डिफ़ॉल्ट नो है, आप इसको यस करेंगे, और यूज़ एडवांस पैरामीटर इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। इन दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद हम एस्केप का यूज़ करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर वापस हम स्क्रीन पर आएंगे। उसके बाद अब मैं आपको कुछ एंट्रियां एक्सप्लेन करूंगा और उनका किस तरह से टैली में उनका यूज़ होगा देखते हैं। मैंने कुछ नोट्स रेडी किए हैं, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले नंबर की एंट्री मैंने रेडी की है कि कंपनी टेकन ए लोन 1 लाख फ्रॉम SBI विथ 10% इंटरेस्ट एस ऑन डेट 1 अप्रैल 2015। इसका मतलब हो रहा है कि हमने 1 लाख रुपए का लोन स्टेट बैंक से लिया है 10% ईयरली इंटरेस्ट पर। अब इसकी एंट्री हम टैली में किस तरह से करेंगे और इंटरेस्ट हम किस तरह से चेक करेंगे टैली ERP सॉफ्टवेयर में, यह हम अब देखते हैं। आइए हम अपने टैली ERP पर आ जाते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में हम इंक्लूड होंगे, उसके बाद हम लेज़र और फिर क्रिएट करेंगे। इसमें हम लेज़र बनाएंगे जिस पार्टी से हम लोन ले रहे हैं। तो हम जो लोन ले रहे हैं, हम एक लेज़र बनाएंगे लोन फ्रॉम SBI, और अंडर आप रखेंगे इसको सिक्योर लोन। सिक्योर इसलिए क्योंकि जब बैंक आपको लोन देगी तो वो एक तरह से सिक्योर लोन ही देती हैं, इसलिए। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक ऑप्शन है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ये ऑप्शन सभी में आएगा पर हमें सब में यस नहीं करना है, जहाँ पर इसका यूज़ करना है वहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोन ले रहे हैं क्योंकि SBI से, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए इसको यस करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है हमसे इंटरेस्ट पैरामीटर की एक विंडो खुलती है, इसमें हमें परसेंटेज रेट डालनी होती है कि क्या परसेंटेज है। तो हमारी उस विंडो में था कि 10% ईयरली था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 30 डेज पर मंथ, 365 डे ईयरली, कैलेंडर मंथ एंड कैलेंडर ईयर। इन चारों का मीनिंग ये होता है कि एक तो ये 30 डेज मंथ, मतलब ये हर महीने को 30 डे काउंट करता है, 365 डे ईयर, इस ऑप्शन को चुनने पर एक साल में 365 डे ही काउंट किए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कभी कभी 365 होते, कभी 364 भी होते हैं, पर अगर हमने 365 डे ईयर लिया है तो हर साल 365 ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद में एक है कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ का अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो जो परसेंटेज है ये मंथली होता है, कभी कोई मंथ 28 का होता है, कभी कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है, तो उस हिसाब से। और कैलेंडर ईयर्स का मीनिंग वही कि फिर जो भी ईयर्स चल रहा है उसमें जितने भी डेज होते हैं उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हम एक स्टैंडर्ड चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि अगर हम ईयरली ले रहे हैं तो 365 डे ईयर, और अगर मंथली इंटरेस्ट हमको चार्ज करना हो तो 30 डे मंथ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर 365 डे ईयरली ले रहे हैं। उसके बाद में हम इसमें ऑल बैलेंस का यूज़ करेंगे। एप्लीकेबल फॉर्म, मतलब आप कब से इसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं, ये वो चीज़ दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर 2 में डेट आ रही है कि आपको इंटरेस्ट जो पैरामीटर है, कब से कब तक इंटरेस्ट लगाना है आपको, ये वो चीज़ बता रहा है। तो हमें जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए हमने एक साल के लिए लोन लिया है, तो हमने 31 मार्च
2016 हम इसमें इंटर कर देते हैं। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद में ये आपसे पूछ रहा है कि राउंडिंग मेथड, तो हम इसमें नॉर्मल राउंडिंग मेथड का यूज़ कर लेते हैं। लिमिट का मतलब यहाँ पर कितनी लिमिट तक राउंडिंग करना, मतलब लिमिट का मतलब 1 रुपये की, 50 पैसे की, कितना आप जो भी देना चाहे इसमें लिमिट दे सकते हैं। हम इसमें 1 कर देते हैं। उसके बाद ये फिर से पूछ रहा है, हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इंटर देंगे और उसके बाद में हम इस लेज़र को एक्सेप्ट करवा देंगे। लेज़र को एक्सेप्ट करवाने के बाद में हम इसमें बाहर आ जाते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद, क्योंकि आपने लोन लिया है तो लोन लेते समय क्या होता है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो कैश ही आपको हाथ में मिलता है, इसलिए हम इंटर रिसिप्ट में करेंगे। और क्रेडिट में हम लेंगे कि आपको जिससे भी लोन मिला है, तो लोन फॉर्म SBI हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। आपने जो लोन लिया है उसकी अमाउंट है 1 लाख, हम इसमें 1 लाख इंटर करेंगे। उसके बाद में हम इसमें डेबिट में, क्योंकि आपको कैश हैंड मिला है तो आप कैश लेंगे, और अगर आपको, अगर आपका पैसा जो है बैंक में जमा हुआ है तो फिर आप यहाँ पर बैंक में आप इसमें बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। तभी हम कैश ले रहे हैं। इसको लेने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारी जो पहली एंट्री थी ये हो चुकी है, जो कि कंपनी टेकन ए लोन 1 लाख फ्रॉम SBI विद 10% ईयरली इंटरेस्ट। अब डेली ERP में इंटरेस्ट को चेक किस तरह से किया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप स्केप का यूज़ करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक बार डी प्रेस करेंगे। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन पर इंटर देंगे। इसके बाद, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पेबल करना है तो आप इंटरेस्ट पेबल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लेजर से भी प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लेजर के थ्रू करके देखते हैं। लेजर पर क्लिक करते हैं और लेजर में हमें लोन फॉर्म SBI दिख रहा है क्योंकि हमने इस पर इंटरेस्ट को एक्टिवेट कर रखा है। इसको इंटर देते हैं। जब इंटर देते हैं तो अभी आपको ये कोई भी इंटरेस्ट नहीं बता रहा है क्योंकि इसकी जो डेट है अभी 1 अप्रैल 2015 है। आपने लोन 1 साल के लिए लिया है, अगर आपको 1 साल का इसमें इंटरेस्ट देखना है तो आप सबसे पहले F2 प्रेस करें। F2 प्रेस करने के बाद ये आपसे चेंज पीरियड पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप फ्रॉम और टू आप इसमें डाल सकते हैं, इंटर दे सकते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 टोटल जे 365 एंड 10% जो इंटरेस्ट है आपको बता रहा है। 1 लाख का जो 10% इंटरेस्ट होता है 10,000 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप इंटरेस्ट चेक भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जहां तक का इंटरेस्ट चेक करना है आप वहां तक की तारीख F2 को प्रेस करके डाल सकते हैं और वहीं तक का ये इंटरेस्ट आपको शो करेगा, ठीक है। तो इस पहले पार्ट में आपने देखा कि जब हम किसी बैंक से या किसी फर्म से कोई लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जब हम किसी पार्टी को कोई प्रोडक्ट सेल्स करते हैं और अगर वो पार्टी हमें प्रॉपर टाइम पर पेमेंट नहीं करती है तो उस पेमेंट पर हम किस तरह से इंटरेस्ट को लगा सकते हैं और किस तरह से हम डेबिट नोट उस पर अप्लाई करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कंटिन्यू इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पार्ट को देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।